हमारी मशीन किस तरीके से चल रही है वो आप देख रही हैं। अभी ये लोएस्ट स्पीड में है, अभी मैं आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा के दिखाता हूँ। तो अभी आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से जो है हमारी मशीन चल रही थी, और अभी इस वीडियो में कुछ चीज़ें हम जानेंगे और सीखेंगे भी। और काफ़ी सारे भाइयों का जो है कमेंट्स आ रहे थे जो अभी नया नया अपना मशीन चला रहे हैं और अभी अपना नया नया काम जो है शुरू किए होंगे या फिर पहले से जो है कर रहे होंगे, तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर और हमारे यूट्यूब जो सेटिंग्स मैंने पहले और कुछ कुछ वीडियोज़ डाली हुई थी उसके ऊपर कि हमारी स्टिक जो है बनती नहीं है, मशीन में जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कभी स्टिक झड़ने का प्रॉब्लम है तो कभी छिलने का प्रॉब्लम है स्टिक में, और काफ़ी सारे कमेंट्स जो है आ ही रहे थे। तो उसी के पर्पज़ में आज का ये वीडियो है, और जिस तरीके से अभी मैंने मशीन चला के दिखाया है उसी तरीके से आपकी भी मशीन चलेगी। आपको 3-4 चीज़ें जो है मेजर्स सेटिंग आपको करनी होगी और उसी के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ये चीज़ें जो होती है हमारी मशीन हो गई, दूसरी चीज़ हो गई हमारी बैम्बू स्टिक, और तीसरा हो गया हमारा प्रीमिक्स पाउडर। तो हमारी गलती इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ों में होती ही होती है। और मशीन की बात करेंगे तो ज़्यादातर जो है जो बिजनेस चालू करते हैं वो नई मशीन ही खरीदते हैं, और नई मशीन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो होता नहीं, तो मशीन के ऊपर सारा दोष डालना गलत है। जैसा कि आप देख रहे हो ये मशीन जो है मैंने जब से बिजनेस ये चालू किया था आज से 5 साल पहले तब की ये मशीन है, और ये है हांगकांग जैसा कि आप देख रहे होंगे, और ये मशीन अभी भी चल रही है। बस इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है, वो है इसकी सेटिंग्स। मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हमें जो जो सेटिंग्स होती है वो प्रॉपर हम नहीं कर पाते जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है। ज़्यादातर जो होता है हमारा प्रीमिक्स पाउडर होता है, एक हमारा होता है बैम्बू स्टिक जो अभी देख ही रहे होंगे, और कुछ सेटिंग्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं मशीन के बारे में। मशीन एक्चुअल में एक सिस्टम है, और सिस्टम जो है उसे चलाने के लिए हमें आना चाहिए। हर चीज़ जो है मशीन करके हमको नहीं देगी, हमको खुद से कुछ इसमें करना होगा, कुछ हमें सीखना होगा, कुछ सेटिंग्स इसकी जो है हमें जाननी होगी। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो नई मशीन होती है नई मशीन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ छोटी मोटी जो है प्रॉब्लम्स होती है और सेटिंग्स होती है उसी को हमको समझना है, फिर हमारी मशीन जो है कंटिन्यू चलेगी और मशीन से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स यही होता है कि हमारी मशीन में ये है, हमारी मशीन ऐसा हो रही है, हमारी मशीन चल नहीं रही है, हमें 2 महीना हुआ है खरीदे हुए, 3 महीना हुआ है फिर भी हम नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, तो पहले आप कुछ मेजर चीज़ें आप इसमें सीखिए। देखिए मशीन का सबसे बेसिक पार्ट्स होता है हमारा लाइनर, और ये जो सिस्टम होता है जहाँ से प्रीमिक्स जो है हमारे बॉइल से होके हब की ओर आती है। तो इसमें कुछ मेजर सेटिंग्स होती है हमारी, जैसा कि देख रहे हो इधर आपका प्रेशर, और नई मशीनों में आपका पिस्टन भी सही रहेगा, पूरा सिस्टम जो है नई होती है तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर चल चुकी है 2 टन 3 टन का प्रोडक्शन कर लिए हो तो अगर प्रॉब्लम आती है तो वो अलग चीज़ है। अब यहीं पर हमारा मेजर सबसे बड़ा सेटिंग होता है रॉकेट और डाई का, ये सेटिंग्स आपको प्रॉपर करनी है, और इसके लिए मैंने आगे और कुछ वीडियो में आपको बताया ही है कि किस तरीके से आपको सेटिंग जो है करनी होती है। और दूसरी चीज़ होती है हमारी सेंसर। ज़्यादातर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स स्टिक फंसने का, रुकने का, और कुछ कुछ चीज़ें जो है यही 2-3 चीज़ों से होती है। जैसा मान के चलिए कि हमारी स्टिक कभी कभी जो छिलने वाली की प्रॉब्लम होती है, या फिर एक साथ आके 2-3 स्टिक रुक जाती हैं, तो ये सब सिस्टम यहीं से होता है। अभी सेंसर का क्या है सेटिंग, ये आपको कुछ समझना होगा। जैसा कि आप देख रहे हो तो ये हमारी एक बैम्बू स्टिक है, और होता क्या है जैसे फीडर से हमारा बैम्बू स्टिक निकलना चालू हुआ तो
ये बलिंग जो इसका सेंस है, सेंस करने का ये तरीका है, वो बिल्कुल स्टिक कनेक्ट होते ही ये जलनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कभी कभी मशीन में ऐसा भी होता है कि हमारी स्टिक पूरी तरीके से निकल जाती है, उसके बाद ये बलिंग करती है, सेंस करती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर प्रॉपर सही सेंस नहीं करेगी तो स्टिक जो हमारा फीडर होता है उसका काम है स्टिक देना, वो कंटिन्यू स्टिक देते ही रहेगा। स्टिक फीडर से भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो सेंस करने पर क्या होता है कि सेंस करने के बाद ही ये जो है हमारा जो उधर का सिस्टम है वो रनिंग करेगा, रनिंग करने ही वहाँ से प्रीमिक्स इधर आएगा, फिर यहाँ से बॉन्डिंग होके इस तरीके से जो है बैंड इसमें बैम्बू लग के ये बाहर की तरफ निकल जाता है। जैसा कि मैं एक दिखाता हूँ आपको, ये हमने चालू कर लिया और एक स्टिक जो है हम डालते हैं। अभी हुआ क्या, देखिए आप, यहाँ से हमारी स्टिक निकली, यहाँ सेंस किया, सेंस करने के बाद हमारा मोटर रनिंग किया, रनिंग करने के बाद यहाँ से प्रीमिक्स जो है आगे की तरफ आया, फिर यहाँ से बॉन्डिंग होके ये निकल गया। आप देखे भी होंगे कि जब हम सिंगल सिंगल चलाते हैं तो कंटिन्यू चलते रहता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम हमारी स्टिक जो है कंटिन्यू निकलते रहती है, मतलब एक एक हाथ से ये निकलते रहती है। और जैसे ही हम फीडर डालते हैं तो फीडर का काम होता है वो कंटिन्यू स्टिक देते रहना। और स्टिक देने के बाद अगर ये चीज़ सेंसर में कोई सेटिंग्स हो या फिर रोल में कहीं प्रॉब्लम हो और हमारा रॉकेट डाई का सेटिंग सही नहीं हो तो होगा क्या, स्टिक जो है प्रॉपर नहीं निकल पाएगी। और स्टिक अगर प्रॉपर नहीं निकल पाएगी तो आके यहाँ से स्टिक रुकना ही रुकना है, क्योंकि फीडर का काम है स्टिक देना, वो स्टिक देते रहेगा चाहे ये सिस्टम आपका सही हो चाहे ना हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और इसमें से ये रॉकेट डाई की सेटिंग, सेंसर की सेटिंग और ये हमारा रोलर डीसी मोटर का जो कनेक्टेड जो होता है ये भी प्रॉपर होना चाहिए। और इन सारे चीज़ों के ऊपर मैंने पिछले कई वीडियो में इसकी जानकारी दे चुका हूँ। और फीडर में ऐसा कुछ नहीं होता, कई लोग बोलते हैं कि हमारे फीडर से स्टिक रुकती है कटती है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे हमारा रोलर हो गया और जो हमारा ये कनेक्टेड जिसमें टीथ लगा होता है छोटा सा, ये एक कांटे की तरह होता है जो कि स्टिक को हमारी रोलर में देके आगे की तरफ बढ़ाता है। तो ये सेटिंग्स आपकी होनी चाहिए। इन तीन चार चीज़ों के अलावा इस मशीन में और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, और हमें लगता है कि मशीनों में ही प्रॉब्लम है। कुछ कुछ चीज़ें आपको सेटिंग्स खुद से ही करनी होगी तभी आप एक मशीन को अच्छे से चला पाओगे और प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा ही होगा। अब सेकंड जो चीज़ है उसके ऊपर बात करते हैं, वो है हमारा प्रीमिक्स पाउडर। देखिए कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हमारा पाउडर्स कैसा है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो रेडीमेड जो पाउडर खरीदते हैं, जो रेडी पाउडर खरीदते हैं जिसमें हमारा चारकोल, वुड पाउडर और गम पाउडर वो तीनों आपस में मिला होता है, वो रेडी पाउडर जो है कहलाता है। तो उस रेडी पाउडर्स में कुछ कमी होने के कारण क्या होता है, कभी कभी बॉन्डिंग की कमी हो जाती है, तो कभी कभी कुछ कंकड़ निकलने लग जाता है, तो इन सारी चीज़ों से भी प्रॉब्लम होती है। और हमारा 50% जो प्रॉब्लम होता है वो प्रीमिक्स पाउडर में होता है। अगर कोई रॉ मटेरियल सही नहीं हो तो उसमें अगरबत्ती बननी बहुत ही मुश्किल है। और जो प्रॉब्लम्स जो आती है, कभी छिलने का आती है तो कभी बॉन्डिंग नहीं होता अच्छे से स्टिक में, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये हमारी एक स्टिक है और इसमें आप देखो कि प्रॉपर इसमें बॉन्डिंग हुई है। तो अगर आपका प्रीमिक्स सही हो तो स्टिक वो अच्छे से बनेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पाउडर्स में अगर कमी हो तो मशीन का क्या है, उसमें मशीन का काम है चलाना, और अगर आप उसमें अच्छी चीज़ें नहीं डालेंगे तो वो कहाँ से चलेगा, नहीं चल पाएगा। तो सबसे बेसिक ध्यान आप दीजिए कि आपका प्रीमिक्स सही होना चाहिए। पिछले कई वीडियो में मैंने इसका जो है कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से आपका पाउडर होना चाहिए, प्रीमिक्स पाउडर होना चाहिए, तो वीडियो आप ज़रूर चेक करके देखिए। और प्रीमिक्स जो है आप अच्छा ही खरीदें, या फिर बना रहे हैं तो बनाने का प्रोसेस मैंने काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है, तो वो भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रीमिक्स की बात। और प्रीमिक्स जो है यही सबसे मेजर चीज़ होती है हमारे मशीन को चलाने के लिए, तो प्रीमिक्स को आपको ध्यान देना ही है, क्योंकि 50% से लेकर 70% तक प्रॉब्लम हमारी प्रीमिक्स के ऊपर ही होता है, और हमें पता नहीं लगता कि प्रॉब्लम प्रीमिक्स में है या फिर और किसी चीज़ों में। तो ये हो गई प्रीमिक्स की बात।
और उसके बाद हमारा तीसरा चीज है बैम्बू स्टिक। और बैम्बू स्टिक जिस तरीके से हमारे प्रीमिक्स की क्वालिटी होनी चाहिए उसी तरीके से हमारा बैम्बू भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि 10-20% मशीनों में रुकने का और फंसने का जो प्रॉब्लम होता है वो बैम्बू स्टिक से होता है, और इनकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। तो बैम्बू स्टिक जो भी खरीदें आप अच्छी क्वालिटी में खरीदें, इसमें तीन ग्रेड की जो है स्टिक्स आती हैं। पहला जो है हमारा होता है ट्रिपल ए प्लस स्टिक्स होती है, और उसके बाद हमारा फर्स्ट लेयर होता है और तीसरा होता है हमारा सेकेंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर का स्टिक ही यूज़ करें क्योंकि वो फिनिशिंग में अच्छी होती है, एक्यूरेट होती है और साइजेस भी उनका सही होता है, जैसा कि हमारा मशीन जो है सेंस करने के लिए वो काफ़ी सही होता है। और जितने अच्छे से हमारा जो है सेंसर सेंस करेगा या रोलर से निकलेगा उतने ही अच्छा हमारा जो है मशीन चलेगा। और सेकेंड लेयर स्टिक का यूज़ बिल्कुल ही मत कीजिए क्योंकि वो अभी क्वालिटीज़ में अच्छी आती ही नहीं है। पहले आती थी सेकेंड लेयर स्टिक काफ़ी अच्छी थी होती थी, लेकिन अभी वो सही क्वालिटी में नहीं होती और साइजेस जो है उनके काफ़ी मोटी होती हैं, जिसकी वजह से सेंसर में रुकने का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होता है और टूटने का प्रॉब्लम भी उसमें होता है क्योंकि वो हल्की होती है, मुलायम होती है, तो फीडर से काफ़ी ज़्यादा वो टूटने लगती है। तो स्टिक भी आप सही ही यूज़ करें। उसके बाद हम कुछ और चला के देखते हैं कि मशीन अभी किस तरीके से चलती है। तो कुछ इस तरीके से चलेगी आपकी मशीन जैसा कि आप देख पा रहे हो, और इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला ज़रूर होगा। और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।